अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल लाइन कैट। एक दफ़ा से फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू प्लान के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्लान मौजूद है उसके अंदर हमारे पास किस तरह से जो है वो प्लॉट को डिज़ाइन किया गया है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे पास जो प्लॉट है उसका साइज़ क्या है, वो कितने स्क्वायर मीटर के अंदर स्क्वायर फीट के अंदर आता है और उसका जो कितना मरले के अंदर वो आता है। हमारे पास जो ये प्लॉट है आप देख सकते हैं कि इरेगुलर शेप के अंदर है और इसका जो एरिया है हमारे पास वो 1050 स्क्वायर फुट के अंदर है, जो कि हमारे पास तकरीबन 3.85 मरला बनता है, 3.85 मरला। तो आप लोगों के पास अगर कोई पौने चार मरले का मकान मौजूद है या प्लॉट मौजूद है तो आप लोग उसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्लाइंट्स थे इन लोगों ने जो है वो उन्हें दो तरह के डिज़ाइन तैयार करके दिए गए। एक आप लोग यहाँ राइट साइड पर देख सकते हैं, एक आप लोग जो है वो इस बॉर्डर लाइन के अंदर जो है वो देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर, ठीक है। लेकिन क्लाइंट को जो है ये बॉर्डर लाइन वाला पसंद आया है तो एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हमने जो है वो क्लाइंट को ये वाला डिज़ाइन जो है वो प्रिंट करके दिया है। तो अपनी बात का आगाज़ जो है वो यहाँ से करते हैं। हमारे पास जो है ये प्लान है वो किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग की गई है। देखें हमारे पास जो ये प्लान है ये इसका ये प्लान और ये वाला प्लान जो है ये दोनों के दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इसमें सिर्फ लेआउट है, इसमें डायमेंशंस वगैरह डाली गई हैं, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे पास सेम है। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में प्लान के अंदर हमारे पास जब भी हम मेन गेट से एंट्री होते हैं तो हमारे पास एक कारपोर्श आ जाता है जो कि 11 फीट बाय 12 फीट का है। इसके बाद हमारे पास कारपोर्श जो है वो सीढ़ियाँ सेकेंड फ्लोर की तरफ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो ये राइट साइड पर जो आपको ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है जो कि 11 फीट बाय 12 फीट का है, इसके साथ हमारे पास यहाँ से निकलने के बाद एक टीवी लाउंज आ जाता है जो कि 8 फीट 6 इंच बाय 17 फीट का है, ठीक है। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए भी विंडो भी दी गई है, एक डोर भी दिया गया है इस एरिया के अंदर जाने के लिए। तो लेफ्ट साइड पर आप लोगों को एक किचन नज़र आ रहा है जो कि 5 फीट बाय 8 फीट 6 इंच का है। इसके साथ साथ हमारे पास जो बेडरूम्स हैं वो भी हैं जो कि 11 फीट बाय 12 फीट के दोनों सेम बेडरूम्स रखे गए हैं, जैसे कि हमारे पास ये इसकी लेंथ के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास ये जो एक डक्ट मौजूद है जिसे OTS भी कहते हैं वेंटिलेशन के लिए। दोनों बेडरूम्स के साथ हमारे पास अटैच बाथ मौजूद हैं 4 बाय 8 साइज़ के, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास एक लॉन्ड्री मौजूद है। ये लॉन्ड्री में जाने के लिए हमारे पास यही टीवी लाउंज जो है वो एक डोर निकाला गया है जो कि इस तरफ जाते हुए हमें जो है वो लॉन्ड्री की तरफ ले जाता है जो 6 फीट 7 इंच बाय 3 फीट 9 इंच के अंदर हमें मिलता है। ये तो हमारा हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान जो कि सेम टू सेम यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप तो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बेसमेंट है वो कैसा है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम लोग कारपोर्श एंटर होते हैं, कारपोर्श एंटर होने के बाद हम जैसे ही टीवी लाउंज की तरफ जाते हैं तो टीवी लाउंज से हमें जो है वो सीढ़ियाँ यहाँ इस जगह हमें सीढ़ियाँ बेसमेंट की तरफ मिलती हैं जाते हुए। ये यहाँ से आप नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जाते हुए यहाँ आप बेसमेंट की तरफ इंटर हो जाएंगे। बेसमेंट में की तरफ जाते ही आप लोगों को जो है वो टीवी लाउंज मिलेगा 8 फीट 6 इंच बाय 17 फीट का, ठीक है। उसके बाद उसी के अंदर आपको सेम बेडरूम साइजेस मिलेंगे जो कि 11 फीट बाय 12 फीट जो कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर थे। इसी तरह हमारे पास जो बेडरूम के साथ हमारे पास अटैच बाथ थे वो भी सेम टू सेम आपको उसी साइजेस के मिलेंगे जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के थे, 4 फीट बाय 8 फीट। और डक भी मिलेगी जो कि 5 फीट 8 इंचज के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली ये हमारे पास 4 फीट के लेंथ है उसकी। तो ये है हमारा प्लान ए था जो कि क्लाइंट को हमने जैसे ही दिया, लेकिन उसे जो है उसे थोड़ी उसने चेंजेस उसमें करवाई। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस मजीद की गई। वो प्लान ये वाला है जो कि क्लाइंट को पसंद आया था। दोबारा से आगाज़ करते हैं हम अपने इस प्लान से जो कि ये वाला है, बेसमेंट है, ये ग्राउंड फ्लोर है। तो बेसमेंट से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहले बेसमेंट के अंदर ये चीज़ जो थी ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई बेडरूम नहीं था। हमारे पास सिर्फ बैक साइड पे 2 बेडरूम्स थे और एक टीवी लाउंज था, ठीक है, और ना ही हमारे पास कोई किचन था। तो
यहाँ से एंटर होने के बाद हमारे पास जो है वो एक कार पोस्ट आता है। यहाँ आप दुख देख सकते हैं। कार पोस्ट से एंटर होने के बाद हमारे पास जो है वो सीढ़ियाँ जो बेसमेंट की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं वो सेम टू सेम हमें यहीं पर मिलेंगी। यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, लेकिन क्लाइंट को हमें बता दिया था कि आपकी सीढ़ियाँ वो वहीं पर होंगी जैसा कि पहले आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप बेसमेंट की तरफ जाते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, तो आपको सबसे पहले टीवी लाउंज मिलता है। ठीक है, जो कि 8 feet 6 inch by 16 feet 8 inch का है। टीवी लाउंज के अंदर ही आप लोगों को जो है वो किचन मिल जाता है जो कि 6 feet 10 inch by 8 feet 6 inch का है, और डाइनिंग एरिया मिलते हैं उसके अंदर जिसमें 11 feet 6 inch by 12 feet का है। बेडरूम्स भी आपको यहीं पर मिल जाता है जो कि 11 feet by 12 feet का है, और एक बेड। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए विंडो भी मिल जाती है। जाहिर बात है ये जो रूम है ये टोटली बेसमेंट के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये बेसमेंट से थोड़ा ज़्यादा हाइट पर होगा जिसकी विंडो जो है वो हमें बाहर से नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो बैक साइड पर वो इस दो बेडरूम्स मौजूद हैं जिनकी जो डायमेंशंस है वो 11 feet 6 inch by 12 feet है, और जो राइट साइड पर बेडरूम है वो 14 feet by 12 feet की डायमेंशंस हमारे पास उसकी मौजूद है। इसके साथ उन दोनों बेडरूम्स के साथ हमारे पास अटैच बाथ है, ओपन एरिया है वाइड 4 feet wide है, और ड्रेस रूम है, और इसके साथ हमारे पास 4 feet by 5 feet के लेफ्ट साइड पर जो है वो बाथ मौजूद है, जबकि राइट साइड पर हमारे पास 4 feet 6 feet by 2 inch का हमारे पास बाथ मौजूद है, और एक ड्रेस रूम जो है वो हमारे पास मौजूद है। इनको वेंटिलेट करने के लिए, इनकी वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन एरिया रखा हुआ है वाइड जो कि 4 feet का हमारे पास, तीनों चारों साइड से 4 feet का है। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ जो कि कुछ इस तरह से है। कारपोश है हमारे पास, कारपोश है यहाँ सेंटर होते हैं जो कि 11 feet 6 inch by 12 feet का है। यहाँ से सीढ़ियाँ जो है हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ जाती हैं। बाहर की तरफ हमें जो डोर रखा हुआ है वो ड्राइंग रूम का है जो कि 11 feet by 12 feet का है। इसके साथ साथ हमारे पास टीवी लाउंज है जो कि 8 feet 6 inch by 16 feet 8 inch का है, जो कि अब कम साइज़ हो गया उसका। आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 feet था, लेकिन यहाँ पर अब है 16 feet 8 inch है। ठीक है, तो उसकी के अंदर हमें 6 feet by 10 inch by 8 feet 6 inch जो है वो किचन मिल जाता है, जिसका साइज चेंज हुआ है। पहले हमारे पास जो था वो 5 feet का था, लेकिन अब हमारे पास 6 feet 10 inch का ये किचन मौजूद है। इसके साथ हमारे पास बेडरूम है जो कि 11 feet 6 inch by 12 feet के है। एक और बेडरूम है जो कि 14 feet by 12 feet के है, जो कि सेम टू सेम हमारे बेसमेंट बेडरूम के साइज़ के साथ मैच करता है। उसके साथ हमारे पास वही सेम बात के डिमेंशंस मौजूद हैं। इस पर मैं मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दी हैं, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये हमारे पास प्लान था जो कि क्लाइंट को पसंद आया है, और जबकि ये भी एक बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन क्योंकि क्लाइंट चाहता था कि उसका एरिया कम है, तो वो इस एरिया के इरेगुलर शेप को भी उस अपने बेडरूम के अंदर शामिल करना चाहता था, तो इस वजह से उसने इसको चूज़ किया है। और तो ये हमारा जो है वो प्लान था। इसके अलावा अगर आप लोग मज़ीद हमसे प्लान बनवाना चाहते हैं, या फिर अगर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। लेकिन अगर आपने कोई अच्छा सा प्लान, जारी बात है फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान अगर आप बनवाएंगे तो उसके अंदर आपको आप चेंजेस नहीं करवा सकते, आप अगर अपनी पसंद की चेंजेस नहीं करवा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने प्लान के अंदर चेंजेस भी करवाएं, आप फ्रंट एलिवेशन के लिए बनवाना चाहते हैं, तो आप लोग इस ये स्क्रीन पर आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और नाम के साथ कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो हो रहा है, आप यहां पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे जो है वो प्लान बिल्कुल मुनासिब रेट पर जो है बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर मज़ीद प्लान्स के साथ, मज़ीद आइडियाज़ के साथ, मज़ीद डिज़ाइनिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़।